पाली जिले में जयपुर अहमदाबाद एनएच 162 पर सांडेराव गांव के निकट मंगलवार शाम करीब 4:30 बजे भूमिगत गैस पाइपलाइन बिछाने के दौरान कंपनी के अधिकारियों, कर्मचारियों और बस चालक की लापरवाही से एक बड़ा हादसा हो गया है। कंपनी की टीम हाइड्रोलिक मशीन से पाइप उठाकर उसे खड्डे में डाल रही थी, लेकिन हवा में झूलता करीब 100 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ाई वाला लोहे का पाइप उधर से गुजर रही एक निजी ट्रैवल्स की बस के आर पार हो गया। हाइड्रो मशीन से हवा में झूलता पाइप ड्राइवर सीट के पीछे वाली सीट की खिड़की तोड़कर बस में घुसा और सबसे पीछे वाली सीट की खिड़की तोड़कर पार हो गया। इससे बस में बैठी एक महिला की गर्दन धड़ से अलग हो गई, जबकि एक युवक का सिर भी फट गया। सांडेराव थाना प्रभारी दोलाराम परिहार ने बताया कि गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए नोएडा की एक फर्म MG गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी काम कर रही है। मंगलवार को कंपनी की टीम 80 फीट से ज्यादा लंबाई और 1 फीट की चौड़ाई वाले वजनी पाइप को उठाकर जमीन में डालने का काम कर रही थी, लेकिन सुरक्षा के कोई उपकरण नहीं थे। 5 दिन पहले पुलिस ने लापरवाही और सुरक्षा उपकरणों के अभाव में कंपनी की एक JCB और ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया था, जबकि मैनेजर को बुलाकर सुरक्षा व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए। मैनेजर का ये भी कहना है कि बस चालक की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।